आग घालो यार भूतबा जय 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 बजरंग बली। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो मेरे हाथ पे है दो डंडे, उसी इनु है वैसे, मतलब इसको हम पहाड़ी लैंग्वेज में मोर बोलते हैं। ये भी मोर है, दो मोर है। ये थोड़ा भारी है, ये थोड़ा हल्का है। अगर जो मोटे ताजे होते हैं चूटते हैं वो मंडुआ, तो वो मोटी वाली लकड़ी यूज करते हैं, और मैं पता हूँ तो वो पतली वाली करूंगा। तो दोस्तों ये रखा है मंडुआ, और आज का जो टारगेट है इसको चूटना है। जो ये मंडुए की बाली दिख रही है, अभी आपको मैं बाली थोड़ा सा क्लोज से दिखाता हूँ। तो ये मंडुए की बाली है, इसको चूर चूर करके इसका मंडुआ निकालना है, और फिर दिखाते हैं आपको आगे कैसे चूटते हैं और कितनी एनर्जी मेरी वेस्ट होती है, कितने मैं पसीने से तरबर होता हूँ। आग घालो यार भूतबा, ये बहुत मोटा है। अब स्टार्ट हो गया है चूट में, यहाँ पर चुटान कारी का आवाज डाल लो सही। ये तरीके दिखा जो सही आवाज आने, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो मंडुआ जो है हमने चूर दिया है। उसके बाद से इसको ऐसे करके बताना पड़ता है, हमारे क्षेत्रीय लैंग्वेज में इसको बताना बोलते हैं। ये जो सूपा है, सूपे में हम मंडुआ इकट्ठा करके फिर ऐसे हवा से जो कि जो इसकी धूल है वो अलग छटक जाए और मंडुआ अलग रहे, तो धूल उड़ के सारी उस साइड में जा रही है। तो दोस्तों जब कभी हवा नहीं चलती है तो उस टाइम पे जो है यहाँ पर फट्याव लगाते हैं, मगर वो फट्याव अभी यहाँ पर हमारी पब्लिक कम है, हम दो तीन लोग हैं तो फटिया वो भी लग नहीं सकता यहाँ पर। तो उसके लिए हमने एक इलेक्ट्रिकल आजकल फैन चल रखा है, तो फैन लगा रखा है क्योंकि पहले से फटिया वो लगाते थे। दोस्तों लड़का जो है तो दगड़ियों जो लौट आगो बीवाड़ा भी हो, तो एक लड़की की आवश्यकता है। देख लो घर का सारा कामकाज आता है इसको, बर्तन धोना भी आता है और मड़ू चूटना भी आता है, लवाना भी आता है, और आज किगनी बजाना भी आता है इसको। तो दोस्तों एक बहुत बढ़िया अच्छी सुशील लड़की चाहिए जो कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास न्यार कर दे घर वालों के। तो दोस्तों अब इसको इस तरीके से रुंगड़े में करके, मतलब ये छन्नी वाला एक जो है हम पे उपकरण है उसमें मंडुआ रखा है, और इस तरीके से छाना जा रहा है और मंडुआ नीचे निकल रहा है जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये टोटल प्रोसेस है इसकी, ये मंडुए के दाने। अभी जब इसको हम सुखाएंगे फिर उखल में कूटेंगे तो प्योर मंडुआ जो है निकलेगा, अभी इसमें काफी भूसा भी है। दोस्तों सबसे पहले बात हमारे उत्तराखंड की शान, हमारे बुजुर्ग और प्लस घूंघट। दोस्तों आज आप देख रहे हो कि हमारे उत्तराखंड की दशा कुछ ऐसी है कि ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हमारे बिल्कुल घूंघट डाल रखा है, और इस तरीके से जो है मंडुए की सफाई होती है। तो आम बिल्कुल बन ठन व तैयार है रे, बिल्कुल ब्योल जय बटी रहे, आम ब्योल जय बटी रहे बिल्कुल। जब तुम ब्याह हो ने तो ब्याह बाद में तुम्हारे कतु हैची खेत में कतु मडू हैची लगभग कतु बोरी मडू हैची लगभग डेढ़ बोरी मानू छोड़ी हो मेरे चार डेढ़ बोरी एक दिन में ब्याह बता हो मेरे। अच्छा मतलब उसी 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 टोटल उसी पूर्वी लगभग पांच छह बोरी। तो दोस्तों पहली बार जो छी पांच छह बोरी मडू हची देखम जा आज उत्तराखंड दस यस टाइप है कुछ की पलायन ज्यादा है कुछ और मडू कम होगा। जब लोग जे नहीं रहला घर उपन तो कद बहल ने तो आए छे पर दर्जारे लोग दिखण मो मडू दिखण चाहिए और के ने। तो ये है और आमले लैगेरी पे हम इनको भल लगने है, इन्होंने पुराण कारोबार करियो भैया जो काम कर तो अभी तक भी लगे हैं। तो अच्छा लगता है अपनी संस्कृति को देखते हुए मडुआ। और दोस्तों मुझे भी काफी प्रेम है इन चीजों से, अपने उत्तराखंडी जितने भी हैं हमारे उत्तराखंड के जो कल्चर हैं, उत्तराखंड में जो जो चीजें होती हैं, तो इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि आप तक भी वीडियो पहुंचाऊं। तो दोस्तों आप दूसरी अम्मा भी आ गई हैं यहाँ पर और चाय भी बन रही है फर्स्ट क्लास गुड़ की कटक। तो देख रहे हो आप पुराने पुराने टाइम के बुजुर्ग हैं और
तुम छिड़ो छिड़ो कोई बात ना। तो अभी भी जो है अपने भूमि से, अपनी जन्मभूमि से प्रेम है, लगाव है, तो लगे हुए हैं, देख रहे हो आप। अम्मा भी अभी, अम्मा की उम्र लगभग कतो है कि नहीं? 86-87। दोस्तों ये भी हो गया है लगभग पूरा फाइनल, और इसमें से झांकी सारी निकाल दी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाई, तो ये सारी इधर झांकी पड़ी है। ये झांकी का चायखी चायखी है, झांकना। और दोस्तों फर्स्ट क्लास चाय आ गई है गुड़ की, ये देखो। और ये चीनी कटक शायर, वो गुड़ कटक नहीं, गुड़ खत्म होगा आज। और फाइनल टच जो है ये है मडुए का, आप देख रहे हो बिल्कुल लाल लाल मडुआ। तो आओ भाई खाने के लिए उत्तराखंड में।